हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीएसआईआर नेट नेट जीआरएफ से रिलेटेड चार क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है व्हाट इज सीएसआईआर नेट जीआरएफ, सेकंड क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी फॉर नेट जीआरएफ, चौथा क्वेश्चन है आपका कैन वी फाइंड गवर्नमेंट जॉब आफ्टर नेट जीआरएफ, फोर्थ क्वेश्चन है आपका जॉब्स आफ्टर नेट और जीआरएफ। देखिए, पहली बात है आपका क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज सीएसआईआर नेट जीआरएफ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जीआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। सबसे पहली बात तो सीएसआईआर नेट है ये स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। एक है यूजीसी नेट और एक है सीएसआईआर नेट। यूजीसी नेट में आपका जो आर्ट्स स्ट्रीम से जो भी बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनके लिए नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है कौन? यूजीसी। और जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से आते हैं उनके लिए नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है सीएसआईआर नेट। चलिए, नेट और जीआरएफ दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले ये देख लेते हैं कि नेट और जीआरएफ क्या है। ये दोनों ही जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम है। अब इंट्रेंस एग्जाम किसके लिए? पीएचडी के लिए। अगर आप पीएचडी में जा रहे हैं, पीएचडी करने का आपका जो है पर्पस है, तो आप जो है पहले आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा सीएसआईआर नेट जीआरएफ का, उसके बाद जो है आप पीएचडी के लिए एप्लीकेबल है। जैसा कि बीएड में होता है आप लोगों के, आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड से पहले आपका एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम होता है बीएड के लिए। सिमिलरली वैसे ही आपका यहाँ पर भी इंट्रेंस एग्जाम होगा। तो नेट जीआरएफ एक इंट्रेंस एग्जाम है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम नहीं है। बट इस बात को क्लियरली आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात। अब नेट और जीआरएफ के लिए सर अलग अलग पेपर होता है? नहीं, दोनों के लिए कोई अलग अलग पेपर नहीं होता, दोनों का एग्जाम एक ही होता, पेपर एक ही होता है। हाँ, जीआरएफ की कट ऑफ ज्यादा निकाल दी जाती है और नेट की कट ऑफ कम निकाल दी जाती है। इतना क्लियर हो? जैसे कि मान के चल रहे हैं आपके 200 मार्क्स का बेसिकली जो पेपर वो होता है, तो 200 में से अगर आपके मान लीजिए अपन जीआरएफ के कट ऑफ देख लेते हैं, अगर आपके 105 नंबर्स आ रहे हैं तो ये जीआरएफ के मान लीजिए जीआरएफ के कट ऑफ है। उसके बाद जो है 94 मान लीजिए इन्होंने नेट की कट ऑफ निकाल दी यहीं से, ठीक है। तो अब 94 से 105 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी नेट क्वालिफाइड होंगे, और 105 से ऊपर जितने भी नंबर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी जीआरएफ में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इनकी कट ऑफ निकल जाती है, बात समझ गए? तो एग्जाम अलग अलग नहीं होता, एक ही एग्जाम होता है। अब जीआरएफ क्या है उसको समझ लो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आपका नेट क्वालिफाई है तो भी आप पीएचडी के लिए एप्लीकेबल है, जीआरएफ क्वालिफाई है तो भी आप एप्लीकेबल। फिर अंतर क्या हुआ सर? अंतर बस इतना सा है कि जीआरएफ अगर आपका क्वालिफाइड है तो जो आपको स्कॉलरशिप है वो मिलेगी, नेट में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। दोनों ही पीएचडी के लिए है लेकिन यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी क्योंकि आप अधिक मार्क्स, ठीक। और स्कॉलरशिप आई थिंक कि 35,000 से 37,000 रुपये पर महीना पर मंथ आपका मिलता है, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए। उसके बाद है अपने सेकंड पॉइंट एलिजिबिलिटी फॉर नेट जीआरएफ। ये चीज क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ से। एलिजिबिलिटी फॉर नेट जीआरएफ, देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली चीज है आपका ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। अगर हम सीएसआईआर नेट की बात करें तो आपका साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और सेकंड है आपका एमएससी। एमएससी यहाँ पर कई बच्चों को यह रहता है कि हम एमएससी में अगर है, अगर हमारा एमएससी कंप्लीट है क्या हम तभी नेट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, नेट का एग्जाम दे सकते हैं? और एक क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द रनिंग पीरियड ऑफ एमएससी उस समय भी क्या हम नेट का एग्जाम दे सकते हैं? देखिए, आप एमएससी में चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, अगर आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया है तो आप नेट जीआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ड्यूरिंग दिस पीरियड, रनिंग पीरियड अगर आपका एमएससी का है तो वहां पर भी आप जो है एमएससी जो है नेट जीआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आपका एमएससी कंप्लीट है तो उसके बाद तो आप दे ही सकते हैं, अगर हम सीएसआई नेट की बात करें तो। ऐसे ही इसमें एज लिमिट का भी है, एज लिमिट, ठीक है,
एज लिमिट क्या होनी चाहिए, अगर आप जनरल की बात करेंगे ना तो जनरल में बेटा 28 इयर्स है। अब उसके बाद एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन रिलैक्सेशन पीरियड्स भी हैं, जैसे कि अगर आप ओबीसी की बात करें तो वहां पर 31 इयर्स का है, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इन तीनों के लिए आपके 33 इयर्स है, यानी कि यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन पीरियड है, ओबीसी में आपके 3 इयर्स का रिलैक्सेशन पीरियड है, जनरल में 28 इयर्स है। ये आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपका मिनिमम एज लिमिट ये होना चाहिए, आप कैटेगरी देख लीजिए और जो एजुकेशन में आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हमने यहाँ पे लिखी। तीसरा पॉइंट जिस पर आपको फोकस करना है वो ये है, कैन वी फाइंड गवर्नमेंट जॉब आफ्टर नेट जेआरएफ। अगर आपने मान लीजिए नेट या फिर जेआरएफ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद आपने जो है बच्चों क्वालिफाई कर लिया नेट जेआरएफ का एग्जाम, तो उसके बाद क्या सर हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, एक सिक्योर जॉब मिलेगी? तो उसका आंसर है बेटा नो। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, पीएचडी के लिए इंट्रेंस एग्जाम है आपका नेट जेआरएफ। जो नेट का एग्जाम हो रहा है ये किसके लिए है, आपका पीएचडी के लिए। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक इंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि ये कोई सिक्योर जॉब के लिए, गवर्नमेंट सिक्योर जॉब के लिए कंडक्ट करवाया जाने वाला एग्जाम नहीं है। जैसे कि आप रीट वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उस समय रीट का एग्जाम अगर आपने दिया है तो आपको जॉब मिलेगी, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो पास कर लिया तो। लेकिन यहाँ पर अगर आप क्वालिफाइड हैं तो जॉब तो नहीं मिलेगी, जॉब आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एक इंट्रेंस एग्जाम है, बात समझ में आ गई। इस चीज को क्लियर रखना है आपको कि नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है ये एक सिर्फ और सिर्फ इंट्रेंस एग्जाम है, जिसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। क्लियर है, पिक्चर क्लियर हुई। फोर्थ पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब, यानी कि सॉरी जॉब आफ्टर नेट जेआरएफ है ना। मान लीजिए आपने नेट या फिर जेआरएफ कर लिया, अगर सर मान लीजिए हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो क्या हमें अदर जॉब मिल सकती है? हम कहाँ कहाँ पर जो है नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने का फायदा हम ले सकते हैं, तो उसका भी है। क्योंकि देखिए देखिए अगर आपने नेट किया है जेआरएफ किया है तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला जो सेक्टर आपका खुलता है, ओपन होता है, जिसके बारे में आप सभी को पता होता है, वो है कॉलेज लेक्चरर्स, है ना। पहला आप किसी भी प्राइवेट जो कॉलेजेस होती हैं उनमें आप पढ़ा सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ से आपको जो मंथली पेमेंट है वो अच्छा पेमेंट मिल जाता है, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, जेआरएफ आपने निकाल रखा है तो। सेकेंड उस पर आता है आपका यूनिवर्सिटीज। देखिए जो आपके अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके पोर्टल्स पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर वैकेंसीज करके एक ऑप्शन आएगा, तो हर जो यूनिवर्सिटीज हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर उनके पास वैकेंसीज हैं अवेलेबल तो पोस्ट निकालती है, वैकेंसीज निकालती है अपने ही बेसिस पे, है ना। तो इन्हें हमें टाइम टू टाइम चेक करना होता है। अब सभी यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग हो सकता है, हो सकता है कोई सिर्फ नेट मांग रहा हो सकता है कोई नेट के साथ जेआरएफ भी मांग रहा हो सकता है आपका अगर पीएचडी है तो पीएचडी भी मांग रहा हो, यानी किसी को प्रेफरेंस अधिक दी जाती है अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, जेआरएफ क्वालिफाई करता है तो मिनिमम है। उसके बाद मान लीजिए अगर दो बच्चों के मार्क्स सेम आ गए तो यहाँ पे किसको चूज करेंगे, वो फिर प्रायोरिटी दे देते हैं कि जिन्होंने पीएचडी कर रखा है उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो फिर पीएचडी वालों को चूज कर लेंगे। ऐसे उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो सभी का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है सभी यूनिवर्सिटीज का। तो आप यहाँ पे टाइम टाइम अगर आप चेक करते रहेंगे तो वैकेंसीज निकलती है, पोस्ट निकलती है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है आपका, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, वहाँ पे कोचिंग में जाकर के आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टीचिंग से, तो यहाँ पे टीचिंग में आपका ना एक अच्छा सा पैकेज जो है आपको मिल जाएगा अगर आपने नेट या फिर जेआरएफ कर रखा तो। क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड है, इसका मतलब है कि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज, सब्जेक्टिव पकड़, सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है, राइट। उसके बाद जो है बेटा, अगर आपने मान लीजिए आपका टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो सर क्या अदर जो प्राइवेट सेक्टर्स है क्या हमें वहां पर भी जॉब जो है रिकमेंड होती है मिलती है? तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे कि एक आपने नाम सुना होगा बार BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो यहाँ से क्या होता है ये जो है अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, इनके खुद के एग्जाम्स भी होते हैं अगर यहाँ पे इनके पास पोस्ट होती है तो।
और उसके बाद ये क्या करते हैं, कई बार ये आपके गेट गेट या फिर जो जेआरएफ है इसके स्कोर कार्ड के आधार पे आपको ना एडॉप्ट करते हैं, और उसके बाद आपको एग्जाम देने की कोई नीड नहीं होती है, और उसके बाद जो है आपको डायरेक्ट जो है इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। तो ऐसी कई कंपनियां होती है जो कि गेट या फिर आपका जो जेआरएफ है उसके आधार पे जो है आपको डायरेक्ट जो है वो एडॉप्ट करते हैं पोस्ट के लिए, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एग्जाम देने की कोई नीड नहीं होती, और होती भी है तो वहाँ पे प्रेफरेंस भी आपको मिल जाती है। समझ में आ गया? तो जैसे कि ऐसे ही अगर हम देखें तो ONGC हो गया, ONGC हो गया आपका, IOCL हो गया, ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ऐसे कई कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर्स में जो कि आपको MSC के बेसिस पे या फिर जो आपका नेट जेआरएफ है उसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस देते हैं जॉब के लिए, पोस्ट के लिए। ऑलराइट, होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।